दोस्तों स्वागत है आपका इस हफ्ते के ऑटो न्यूज में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो न्यूज है इट कम्स फ्रॉम द ईवी इंडस्ट्री। टाटा ने अपनी नेक्सॉन डॉट ईवी को अनवील कर दिया है एंड ये काफी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है बिकॉज इसके थोड़े ही दिन पहले आईसी वेरियंट को रिलीज कर दिया गया था, अनवील कर दिया गया था एंड अभी इलेक्ट्रिक वर्जन को भी अनवील किया है। तो अभी इलेक्ट्रिक वर्जन में थोड़े बहुत डिफरेंसेज है एज कम्पेयर टू आईसीई वर्जन। कुछ कुछ छोटे मोटे चेंजेस है। फ्रंट में आपको अभी एक पूरा एक एलईडी लाइट बार आता है। बंपर्स में छोटे मोटे चेंजेस किए हैं एंड एयर फ्लो को कंट्रोल किया गया है With the help of vents. Overall जो look है उसमें भी आपको छोटे मोटे changes दिखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा भाई this is the Nexon EV. Interior में भी काफी सारे changes किए हैं। Dashboard में अलग textures use किया है, seats भी थोड़े बहुत अलग है। इसमें काफी सारे segment first features आते हैं। जो driver dash है आपको अभी fully digital मिलता है एंड आप गूगल मैप्स उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो मैप्स आपके सीधा सामने डिस्प्ले होगा। अभी जो पहले आपको मैक्स प्राइम वगैरह आता था वो नॉमेनक्लेचर चले गया है। अभी आपको लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के मॉडल्स मिलेंगे। तो जो मिड रेंज है उसमें आपको 325 किलोमीटर का रेंज देखने मिलता है एंड जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उसमें आपको 465 किलोमीटर का रेंज देखने मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग है। अभी इसके जो प्राइसेस है जल्दी अनाउंस होंगे बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि टाटा इसको अच्छे से प्राइस करे। जो दूसरा न्यूज है अगेन इट इज फ्रॉम टाटा। रूमर्स ऐसे आए हैं कि अक्टूबर में पंच ईवी लॉन्च हो सकता है। तो ये जो कार है इट विल बी इन बिटवीन टियागो ईवी एंड नेक्सॉन ईवी, तो उसके बीच में प्लेस होने वाला है। बट अगर आप पेट्रोल पावर्ड पंच के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें भी काफी सारे चेंजेस हैं। एक्सटीरियर में अगेन यू विल गेट द ब्लू हाइलाइट्स एंड इसमें आपको फोर व्हील डिस्क ब्रेक भी देखने मिलेगा। इंटीरियर में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें भी वही टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील आएगा विच केम इन द नेक्सॉन ईवी। अभी रेंज के बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है बट काफी सारे इसमें बैटरी पैक्स आ सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम 200 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर मैक्स रेंज। टोयोटा ने हाइलक्स का एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को अनवील किया है एंड ये जो कार है उसके 10 प्रोटोटाइप्स बनाने वाले हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है बिकॉज ये इतना बड़ा एसयूवी में आपको अभी फ्यूल सेल का टेक्नोलॉजी देखने मिलेगा। अभी आप सोचते रहेंगे फ्यूल सेल क्या है। बेसिकली कार के अंदर 3 हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक्स रहने वाले हैं जिसमें आप हाइड्रोजन फिल करेंगे एंड जो हाइड्रोजन है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा एंड एक बैटरी में स्टोर करेगा। तो ये जो पावर है डायरेक्ट जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एंड उसके हिसाब से इसका वर्किंग होता है। तो ये जो हाइलक्स है इसमें आपको 590 किलोमीटर का रेंज देखने मिलता है एंड ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करना पड़ता है 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, इसमें आपको कुछ टाइम नहीं लगता है। अब बस इसके अंदर हाइड्रोजन फिल कीजिए एंड ये इलेक्ट्रिक पावर में इमीडिएटली कन्वर्ट करता है एंड आप आराम से आपके ट्रिप के लिए निकल सकते हो। दोस्तों इंडिया में MG Aster का ब्लैक स्टॉर्म वेरिएंट लॉन्च हो चुका है एंड अगर आपको याद रहेगा तो जो ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म है उसके जैसे आपको इसमें विजुअल डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। तो एक्सटीरियर में आपको ब्लैक पेंट देखने मिलता है, ग्रिल भी चेंज हो चुका है विद ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, स्मोक्ड हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, जो ब्रेक कैलिपर्स है वो भी आपको रेड पेंटेड मिलेंगे। इंटीरियर में भी आपको ब्लैक प्लस रेड का थीम देखने मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है बट ड्राइव ट्रेन वाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वही सेम 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें आएगा विद एन ऑप्शन ऑफ मैनुअल गियरबॉक्स एंड CVT गियरबॉक्स। इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 14.48 लाख से। दोस्तों स्कोडा सुपर्ब फिर से आ सकता है, फिर से रीलॉन्च हो सकता है। कोई कोई डीलरशिप्स इसके अनऑफिशियली बुकिंग्स ले रहे हैं बट ये जो कार है ये आएगा CBU रूट से विच मीन्स कम्प्लीटली इम्पोर्टेड। तो कॉस्ट शायद हाई रहेगा बट ओवरऑल क्वालिटी भी जो रहेगा इट विल बी टॉप नॉच। इसमें आपको 9 एयरबैग्स आएंगे, पार्क असिस्ट आएगा, 360 डिग्री कैमरा आएगा एंड बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आएंगे। जो इंजन है वो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन रहने वाला है विच विल बी मेटेड टू अ DSG गियरबॉक्स। अभी कुछ महीने पहले सुपर्ब का जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स। तो अभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो एमिशन नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये कार को इम्पोर्ट किया जाएगा एंड हमें सबको पता है कि बहुत सारे लोग सुपर्ब के फैंस हैं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल कम्फर्ट एंड एक अलग एलिगेंस है इसमें। दोस्तों मर्सिडीज का एक कॉम्पैक्ट जी वैगन आने वाला है इन द फ्यूचर एंड मर्सिडीज ने इसको कन्फर्म कर दिया है बाय कॉलिंग इट द लिटिल जी। तो जो फ्यूचर में जी वैगन आने वाला है विच इज द कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द प्रेजेंट जी वैगन, उसको लिटिल जी करके एटलीस्ट अभी के लिए बोला है। तो ये जो कार है इट विल बी बेस्ड ऑन द जी वैगन प्लेटफॉर्म बट पूरा फॉर्म फैक्टर कॉम्पैक्ट रहेगा। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो भी जी वैगन के नीचे रहेगा। हमको लग रहा है कि जो लैंड रोवर डिफेंडर है उसको राइवल करने के लिए मर्सिडीज ये लॉन्च करने वाला है बट वील जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच इसमें क्या टेक्निकल फीचर्स रहेंगे और क्या डिटेल्स है। दोस्तों इंडिया में स्कोडा अपनी एक इलेक्ट्रिक कार लेके आने वाली है इन द फ्यूचर। सब कॉम्पैक्ट कार रहेगा विच विल बी अंडर 4 meters बट उसके लिए स्कोडा ने महिंद्रा से बात किया है टू डिलीवर द टेक्नोलॉजी टू देम। तो जो टेक्नोलॉजी है महिंद्रा के पास वो शायद ट्रांसफर हो सकता है
टू स्कोडा। तो ये दोनों कंपनीज मिलकर एक इलेक्ट्रिक कार डेवलप करने वाले हैं। एट प्रेजेंट VW के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक कार है विच इज द ID.1। हो सकता है कि वैसे ही टाइप का कार इंडिया में आए। अभी चलते हैं, देखते हैं बाइक इंडस्ट्री में क्या न्यूज है हमारे लिए। कावासाकी अपनी ZX4R को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। ये जो बाइक है इट इज अ प्रॉपर कॉम्पैक्ट स्पोर्ट बाइक बिकॉज इसमें 399cc का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है विद 79 horsepower। एंड ये इंजन रेव करता है 215,000 RPM, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड एस्पेशली इसका जो साउंड है, साउंड भी बहुत स्वीट रहेगा। ओवरऑल जो फीचर्स है इसमें, आपको अपसाइड डाउन फोक्स आएंगे, 290mm के डुअल डिस्क आएंगे इन द फ्रंट एंड रियर में भी आपको डिस्क आएगा, 4.3 इंच का आपको TFT स्क्रीन मिलेगा विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अभी इसका जो प्राइसिंग है हमें पता नहीं है, बट ZX सीरीज है तो इसका प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। जावा ने अपनी 42 बॉबर की एक नई स्पेशल एडिशन लॉन्च की है विच इज कॉल्ड द ब्लैक मिरर। तो ये जो बाइक है इसमें काफी सारे डिफरेंसेस है फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेरिएंट। इसमें आपको क्रोम टैंक आएगा विद ब्लैक एक्सेंट्स एंड मेनली इसमें अभी आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको स्पोक व्हील्स आते हैं, बट इसकी वजह से ये बाइक काफी स्पेशल लगता है। इसमें आपको एडजस्टेबल सीट्स आते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं, जो ओवरऑल बॉबर स्टाइल है वो आपको मिलता है। इसका जो कॉस्टिंग है, इट कॉस्ट 2.25 lakh rupees एक्स शोरूम। TVS Apache RTR 310 लॉन्च हो चुकी है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। लाइक इसका जो फीचर लिस्ट है बहुत लॉन्ग है। आपको इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, क्विक शिफ्टर आता है, कॉर्नरिंग ABS आता है, एक बहुत ही स्पेशल फीचर है विच इज द क्लाइमेट कंट्रोल सीट। तो आप सीट को हीट भी कर सकते हैं एंड कूल भी कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे फीचर्स देखने को इट इज वेरी प्लीजिंग। इसमें आपको 310cc का इंजन आता है विद 33.5 bhp। पावर ठीक ठाक है बट फीचर लिस्ट काफी अच्छा है। इसका जो प्राइसिंग है स्टार्ट होता है फ्रॉम 2.43 lakh onwards। इसमें भी बहुत सारे है, डायनामिक पैक है, डायनामिक प्रो पैक है एंड एक स्पेशल ब्लू कलर का वेरिएंट भी है। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।